सरोजनी नगर मार्केट में हुआ, और हर बार जब आप प्रोसीडिंग निकाल के देखेंगे आतंकवाद पर, हर तीन महीने चार महीने पर सदन में चर्चा होती थी और तीन तीन घंटे चार चार घंटे पांच पांच घंटे चर्चा होती थी। संकल्प होता था कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और फिर चार महीना के बाद हम लोग चर्चा ही करने के लिए बैठते थे। लेकिन 2014 के बाद सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान चलाया, वो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एरियल स्ट्राइक हो, तो हम नहीं समझते हैं कि 2014 से आज तक कोई बड़ी आतंकवादी घटना हुई इस देश में। ये आतंकवाद के खिलाफ, भाई सुनियो ना यार, आतंकवाद के खिलाफ सरकार की लड़ाई का जो संकल्प है वो इसको प्रदर्शित करता है। और लेकिन अगर सरकार ने इस आतंकवाद की, और ये सब कोई जानता है, ये ध्रुव सत्य है कि आतंकवाद का जड़ कहां है, आतंकवाद का जड़ जम्मू एंड कश्मीर में, और उस जड़ को अगर खाद और पानी मिल रहा है तो वो पाकिस्तान से मिल रहा है, ये ध्रुव सत्य है, ये हर कोई जानता है। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ बैठिए ना, आसाम में आप कितना बड़ा कंट्रोल किए तो शाम को मालूम है, तो ऊंचा आसाम को लेकर बैठ गए थे, बैठिए। तो इसलिए महोदय हम ये कहना चाहते हैं कि उसका खाद पानी भी कहां से मिल रहा है सबको मालूम है, लेकिन अगर सरकार ने आतंकवाद से लड़ने के लिए इस 17वीं लोकसभा के पहले सत्र से ही, हम माननीय गृहमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं इस बात के लिए कि पहले वे सत्र से ही उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के मंसूबे को और पुष्ट करने का काम किया। एनआईए एक्ट में संशोधन किया उन्होंने, अनलॉफुल एक्टिविटीज जो कानून था उसमें संशोधन किया उन्होंने। हम इसका स्वागत करते अगर आप इस सदन में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए और कोई से सख्त कानून लेके आते, हम उसका स्वागत करते। लेकिन आपको मालूम है, हमारी पार्टी 1996 से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के रूप में रही, इसके साथ रही है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय से हम लोग एनडीए के साथ हैं। आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब, जो उस समय समता पार्टी के और बाद में जनता दल यू के हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे, वो एनडीए के साथ थे, एनडीए के कन्वेनर थे, एनडीए के नेशनल एजेंडा ऑफ गवर्नेंस में इस बात को लिखा गया है कि 370 के साथ हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हमारी पार्टी की यह मान्यता रही है कि जो विशेष राज्य के का दर्जा उसे प्राप्त था उसके साथ छेड़छाड़ नहीं। हाँ, एक माहौल अगर बनता और अगर उस पर आप कार्रवाई करते तो इसलिए वो अलग बात थी, लेकिन आज की परिस्थिति में आपको लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए था, इस विवादास्पद विषय को नहीं छूना चाहिए था। इसलिए हमारी पार्टी का 1996 से ये मानना है, जब अटल जी थे, और कई लोगों को मालूम है जो इसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक है, रविशंकर जी को तो मालूम है, आदरणीय रक्षा मंत्री जी को मालूम है, उस समय थे आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आ गए, नेशनल एजेंडा ऑफ गवर्नेंस में लिखा हुआ था। तो ये सारी चीजें जब लिखी हुई थी तो सबको मालूम है कि हमारी पार्टी विवादास्पद चीजों को और धारा 370 का समर्थन नहीं करती है। तो इसलिए आज भी हम इसका समर्थन नहीं करते हैं और इसके पास होने में इसके भागीदार नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं।